नमस्कार, इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक नए प्रोडक्ट के बारे में। इसे मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। तो सबसे पहले मैं इसको इस रैपर से बाहर निकाल लेता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक वॉलपेपर है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी वॉल पे चिपकाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी आपका फर्नीचर है, अलमारी है, उसे आप रिनोवेट करना चाहते हैं तो उस काम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव के साथ में आता है, तो ये कोई भी स्मूथ सरफेस में आप इसे चिपका सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसे पैक किया गया है। तो सबसे पहले इसके इस टैग को देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ यहाँ पे है 45 सेंटीमीटर बाय 600 सेंटीमीटर का है, और जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है वो 1500 यानी कि 1500 रुपये के आसपास है। लेकिन आप इसे खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से काफ़ी कम प्राइस में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अवेलेबल रहता है 299 रुपीज़ का, और सेल के टाइम पे मैंने इसे परचेज़ किया था लगभग 200 रुपीज़ का। तो इसे कुछ इस तरीके से पैक किया गया है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें मिलता है इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नाइफ मिलता है हमें छोटा सा। इसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको कट करने के लिए। जब भी आप कोई भी सरफेस में इसे चिपकाना चाहते हैं तो अलग अलग साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एप्लीकेटर होना चाहिए था पैकेज के अंदर, जैसे कि फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा ही है। आइए इसे मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे अजीब ही तरीके से लेमिनेट किया गया है। तो इस वाले वीडियो पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसे मैंने कर लिया है बाहर, और देख सकते हैं इसका जो कलर और डिज़ाइन है ये कुछ इस तरीके से मिलता है। तो इसको मैं यहाँ से सबसे पहले निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसका जो कलर और डिज़ाइन है वो किस तरीके से हमें मिलता है। तो यहाँ पे अजीब तरीके से इसे लगाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिक वाला डिज़ाइन है, 3D प्रिंटिंग यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन में ये अवेलेबल है। इसे आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं अपने वॉल पे, नहीं तो अपने कोई भी फर्नीचर के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा लुक है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये वाटर रेसिस्टेंट भी है। वाटर रेसिस्टेंट है तो आप इसे क्लीन कर पाएंगे अगर ये गंदा हो जाता है तो इस केस में। और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, मैं अपने टेबल पे लगाया हुआ है, ये भी सेम चीज़ है। तो अलग अलग कलर्स में आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ब्लू के अलावा आप ब्लैक, वाइट, ग्रीन, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे ये एक सेल्फ एडहेसिव के साथ में आता है। तो अगर आप इसे कोई भी वॉल पे चिपकाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इसका जो एडहेसिव है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा निकाल के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ग्लू के साथ में आता है, तो ये आसानी से आपके वॉल से निकलेंगे भी नहीं। और इसे आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी वॉल पे, लेकिन अगर आपका वॉल पे वॉल पुट्टी किया हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना नॉर्मल वॉल पे अगर आप इसे लगाएंगे तो वो निकलने का चांसेस रहता है। और कितना क्वांटिटी में ये मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है। इसके अलावा इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के टाइल्स के ऊपर भी। अगर आप अपने किचन को रिनोवेट करना चाहते हैं अलग अलग डिज़ाइन और कलर्स के साथ में, तो इसे आप चिपका सकते हैं किचन के टाइल्स के ऊपर भी। इन वॉलपेपर्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो मुझे आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी आने वाले एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।